लगातार रामगढ़ के किन्नरों को मिली जान से मारने की धमकी। आज जब हमारे संवाददाता कुंदन खाचरियावास फील्ड में कवरेज के लिए उतरे तो दाता रामगढ़ के किन्नर चुटकी बाई उन्हें मिली। उन्होंने बताया कि मुझे कुचामन के किन्नर और हरियाणा के किन्नरों के द्वारा मारने की धमकी मिल रही है। मैंने इसकी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज करा दी और DYSP ने चुटकी बाई को विश्वास दिलाया है ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। और साथ में ही चुटकी बाई ने समस्त दाता रामगढ़ के और आसपास के गांव वालों को सूचित किया कि अगर हमारे अलावा कोई किन्नर आपसे शादी विवाह में आपसे नेक लेने आए तो आप हमें अवगत कराएं। चुटकी बाई दाता रामगढ़ गोपाल गौशाला की अध्यक्ष हैं और अपनी कमाई का 90% हिस्सा गायों को दान करती है। अनाथ बच्चे बच्ची शादियां और उनकी पढ़ाई पर खर्चा करती है। हमको दाता रामगढ़ वो उसके नीचे के गांव लिखकर दिए हैं। फिर जब हम मांग रहे खा रहे हम हमारा आराम से रह रहे हैं, फिर आज ये आकर हमारे ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हैं, क्यों हमको सता रहे हैं? या तो ये पहले देते नहीं, और जब इन्होंने दिया है तो फिर हमसे ले क्यों रहे? तो इसी चीज़ के मेरे इसीलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि या तो हमें पहले देते नहीं और जब दिए हैं तो फिर हमसे क्यों लेना चाहते हैं? यही मेरा निवेदन है, यही मेरे के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरी जान को खतरा है। संजना बाई वो उसके चेलों से वो हमको धमकियाँ देते हैं। वो यूँ भी कहते हैं ये पुलिस, ये थाना, ये गुंडा, ये गर्दी, इन सबको तो मैं पीछे छोड़कर आ गई। वो यूँ कहते हैं कि हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है, मैं तो इन सब की खेली हुई खिलाड़ी हूँ, उसका तो ये जवाब है। तो जी देखो जी, मुझे तो लगता है डर, मैं तो अकेली इंसान हूँ, अकेली घूमती हूँ। वो दर्जन उनको फ़ोन करके कहते तो वो कहते आजा मैदान में। कहाँ पर आएगी? उधर आ, आएगी दो पैरों से, जाएगी चार में। वो यूँ कहते आएगी तो दो पैरों से लेकिन जाएगी चार कांधों पे। तो जी देखो, मुझे मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है उनसे। हर तरीके से उन्होंने परेशान कर रखा है, हर तरीके से। और मैं तो जो भी कर रही हूँ मैं तो मेरी गाय माता के लिए कर रही हूँ। कोई गरीब लड़की की शादी होती है उसमें सहयोग करती हूँ मैं। कोई पैसों को बिस्तर में बिछा कर नहीं सोती। मैं तो जो भी करती हूँ गाय माता के लिए करती हूँ। जितनी होती है ओम गौशाला है उसके अंदर भी मैं सहयोग देती हूँ, और गोपाल गौशाला है उसमें भी सहयोग देती हूँ। अन्य जितनी भी गौशाला, जितना भी गरीब घर है, जितनी भी गरीब लड़कियों की शादियाँ होती है उसमें मैं जाकर शादी साड़ी कपड़ा लत्ता पैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसमें जाकर मैं सहयोग देती हूँ।